हाँ तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक और बेहतरीन पहेली यानी क्राइम के ऊपर ही पहेली लेके आ गया हूँ। जैसे कि मैं आपको हर बार आपके लिए खूनी पहेलियाँ, किडनैपिंग, चोरी डकैती के ऊपर आपको बहुत बड़े बड़े पहेली लेके आता रहा हूँ, उसी तरीके से ये पहेली भी आपके लिए बहुत जानदार होने वाली है। तो आइए इस पहेली को स्टार्ट करते हैं कि एक बहुत प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक की हत्या कर दी जाती है। रसायन वैज्ञानिक बहुत प्रसिद्ध पॉपुलर वैज्ञानिक होता है जिसकी हत्या कर दी जाती है। फिर डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचता है जब उसे खबर लगती है। जैसे जब लोग डिटेक्टिव मेहुल को वैज्ञानिक की हत्या की घटना के बारे में डिटेक्टिव मेहुल को बताते हैं तो डिटेक्टिव उस घटनास्थल पर तुरंत पहुँचता है और वहाँ पर छानबीन करना चालू कर देता है। उन्हें सूचित किया गया था, डिटेक्टिव मेहुल को सूचित किया गया कि वैज्ञानिक एक बहुत बड़ी परियोजना पर काम कर रहा था, यानी कि बहुत बड़ी रिसर्च कर रहा था, बहुत बड़ी किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहा था ये वैज्ञानिक। हाँ, पूरे लोग वहाँ के लोग जो साइंटिस्ट होते हैं वो सब डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ की पूरी बात बताते। फिर उनके साथ तीन सहायक भी थे, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो तीनों महिलाएँ हैं। ठीक, मतलब तीन सहायक थे जैसे कि आपको सीन पर दिखाई दे रहे हैं जो उनके साथ काम कर रहे थे। अपराध स्थल पर इनके अपराध स्थल का विश्लेषण करते समय मेहुल को वैज्ञानिक के हाथ में एक चांदी का चम्मच मिलता है। ओहो, कहानी समझ रहे हो आप? मेरी बातों को और उस जगह को पिक्चर को समझते हुए और मेरी बातों को सुनते हुए बढ़िया से समझते हुए आपको बस ये पता करना है ये खूनी कौन है और समझते हुए चलना है, क्योंकि पहले का जवाब बहुत मस्त होने वाला और पहले भी बहुत मस्त होने वाले मेरे दोस्तों। तो जैसे कि जब अपराध स्थल को विश्लेषण करते समय मेहुल को वैज्ञानिक के आदमी चांदी का चम्मच मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद मेहुल ने सोचा कि यह वैज्ञानिक छोड़ गया सुराग था, मतलब कि एक छोड़ा गया सुराग था। मेहुल ने जब वहाँ देखा वैज्ञानिक के हाथ में, तो उसे लगा कि ये हत्यारे का वहाँ छूटा हुआ कोई सुराग है, जैसे कि फोन करते समय वो सुराग हाथ में रह गया, ये कुछ बताना चाह रहा है। बहुत कन्फ्यूज था डिटेक्टिव, बोले से कुछ समझ नहीं आ रहा था जी, क्या समझे क्या। तो इसमें खूब बात विश्लेषण हो रही है, जैसा कि हर बार अटपटी चटपटी पहले को देखते हुए समझते हुए आप आए हैं। तो आप ही चलते हैं, सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? समझ रहे हो दोस्तों, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने यहीं पर कहानी ख़त्म कर दी, यही पहेली है। पहेली को पकड़ने की कोशिश करें दोस्तों, पकड़ने की कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, सुराग को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है इन तीनों में से? जैसे कि आपकी स्क्रीन पर तीन नाम शो हो चुके हैं, अनन्या, अन्यासा, अगत्या। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों का नाम ऐसे ही है। अच्छा जी, लास्ट में ए भी है इनके, ये भी एक पहेली है। आपको बस अब मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि आप कितने इंटेलिजेंट है, इस पहेली का जवाब या आप दे सकते हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हर बार कि मेरी पहेली को बातों को सुने कि पहेली क्या है, ठीक, और जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा पिक्चर होता हूँ, जो पिक्चर दिखाता हूँ उस पिक्चर को देखते हुए और मेरी बातों को समझते हुए सुनते हुए पहेली को समझिए और पहेली का आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, हत्यारे का पता करना है। तो आपके पास इस पहेली का जवाब देने के लिए हर बार की तरह आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, क्योंकि ये पहेली हर बार की चटपटी और अटपटी, और इस बार तो ये थोड़ी घुमाने वाली पहेली है, आप भी कन्फ्यूज पड़ गए हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आपका जो समय दिया है हम लोगों ने, वो समय स्टार्ट होता है 10 सेकंड। आओ फटाफट अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना स्टार्ट करें दोस्तों।
नहीं 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 अभी नहीं देना है, अभी तो आपको एक बात और बतानी है। आपको यदि मेरी पहेली नहीं समझ में आ रही तो आप मेरी पहेली को रिपीट भी देख सकते हैं। ये बात बताना मैं आपको भूल गया, सॉरी, माफ कीजिए। तो दो एक मिनट लगेगा, आप यदि मेरी पहेली समझना है तो आप बैक करके भी देख सकते हैं। हाँ, पर टाइम जब स्टार्ट हो जाए तो टाइम स्टार्ट होने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में देना, नहीं तो उससे पहले जब मैं ये समय दे रहा हूँ उससे पहले आप वीडियो कितनी बार रिपीट करके देखें समझें, तो यही बात करते हैं। चलो जो बहुत देर हो गई बात है, आपको पहले के जवाब के बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है, तो ज़्यादा समय ना लेते हो आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना। चालू करें, आपका समय स्टार्ट होता है अब। हाँ तो दोस्त, जो आपको समय दिया गया वो समय तो गया खत्म। अब मुझे उम्मीद है कि यह पहेली आपके लिए कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं रही होगी। इंटेलिजेंट लोग तुरंत इसका जवाब दे देंगे। तो इस पहेली का जो जवाब है, ज़्यादा समय ना लेते इस पहेली के जवाब को जानते, तो इस पहेली का जवाब है अगाथिया। क्योंकि अगाथिया मैंने क्या बोला था दोस्तों, आप मेरी पहेली को ध्यान से समझने की कोशिश करें कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। आप दिए पिक्चर को भी ध्यान से समझने की कोशिश करें, ध्यान से समझें और सुराख को पकड़ने की कोशिश करें, मेरी बातों को भी सुनें कि चांदी का रासायनिक प्रतीक एजी है। यदि जो बंदे साइंस पढ़ते हैं वो इसका बेखूबी, ये इसका मतलब समझते हैं। ये पहेली साइंस, जो बंदों को साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए था। चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है एजी। अब वैज्ञानिक ने रसायन विज्ञान से संबंधित सुराग छोड़ दिया, समझे? वो बोल नहीं पाता, लिख नहीं पाता, पर उसने इत्तेफाक से उस अपने वहाँ पर काम करने वाली सहायिका यानी कि वर्कर से को, वर्कर के नाम का एजी को ध्यान रखते हुए उसने वहाँ की चम्मच को सुराग के तौर पर हाथ में पकड़ लिया। हमने तुरंत अगाध्य को गिरफ्तार कर लिया। इसका मतलब समझ रहे दोस्तों, खूनी अगाध्या। यदि आपको मेरी पहेली नहीं समझ में आई है तो आप मेरी पहेली को बारीकी से समझिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मेरी पहेली अच्छे से समझ आ जाएगी। यदि मैं आपको पहेली ज़्यादा लंबी कर दूँगा तो आप बोर हो जाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब खूनी अगाध्या है और मेहुल्ले से गिरफ्तार कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पहेली अच्छी लगी होगी। तो इस पहेली का यदि आपको पहले अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।